बरसाने के क्षेत्र में, बरसाने के क्षेत्र की बात है। एक महात्मा खूब भजन करते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, और भजन में ऐसे लग गए कि मधुकरी करने भी कम जाते थे, कभी चले गए तो चले गए, नहीं तो नहीं। एक दिन ग्वारिया बोले, बाबा तेरी कुटिया में तो मधुकरी है ना, हम लाए छाक बैठ के कछु जीम ले आरोग ले। तब उन्होंने कहा कि आज हम कुछ पाएंगे नहीं, आज हमारा समय पूरा हो गया, तुम लोग खाओ पियो, आज तो हम चले जाएंगे, मर जाएंगे आज हम। उन्होंने ज्यादा कोई परवाह नहीं, कैसी बाबा कह रहे हो। भोजन के बाद ग्वारियों के मन में आया कि अब गैया यहां से ले चलना है, देखें तो सही बाबा मरो के जियो, कह रहे हो मर जाऊंगा आज। उन्होंने देखा तो बाबा पधारे, तो चिकसोली होकर के उधर ही श्मशान था, तो उनको लेके जा रहे थे शरीर को। तो एक ब्रजवासी ने बोली, कौन मर गए हो? बोले अमुक बाबा मर गए। अरे राम राम। तो परिक्रमा करी उसने अर्थी की और प्रणाम किया और रोते हुए कहा, बाबा हमारे घर में छोरी आई भई है, ससुराल से लाली आई है, और लाली की आज विदाई हुई, आज ही तो मरवे को मिलो, हमें अपनी छोरी की विदा करूं कि तेरी विदा करूं। वो शरीर में हलचल हो गई और वो मूंज की रस्सी से बांधा तो तोड़ ताड़ करके बाबा जी बैठ गए। बोले कोई बात नहीं मैया, रोवे नहीं, आज तक हमने किसी ब्रजवासी को पीड़ा दी नहीं है, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, तू प्रेम से आज अपनी छोरी की विदाई कर ले। अपनी कहा अपने तो कल मर जाएंगे, कोई बात थोड़ी आज मरेगी, कल मरे एक ही बात है।